कोई आदमी का मतलब कि पावर नहीं होगा कि अगर कोई एग्रेसिव इंडियन डॉग है उसके सामने चले जाए, उससे लड़ जाए, कोई आदमी नहीं होगा। इसलिए जर्मन शेपर्ड हो, रॉटवाइलर हो या इंडियन देसी डॉग हो, अगर वो अटेम्प्ट लेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे तो आदमी जरूर भागेगा। दोस्तों एक और ब्रीड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, वो होता है इंडियन देसी डॉग। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये ट्रेंड नहीं किए जा सकते हैं, ये कमज़ोर होते हैं, इसका आदत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फ्री में मिलता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये वही वाली बात हो गई। लेकिन जो देसी डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, आसानी से उसको ट्रेंड कर सकते हो, ये बीमार बहुत कम पड़ेंगे और हाईली एडेप्टेबल हैं अपने इंडियन वेदर कंडीशन में। तो इसको अगर आप लोग रखोगे तो आपका जो बीमारी पे खर्चा है वो भी कम लगेगा और इससे आपको प्यार भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और इसका जो लाइफ स्पेन है नॉर्मली सारे डॉग से आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप लोग अगर शर्मिंदा नहीं होते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए, इम्प्रेशन चाहिए। अगर वो जर्मन शेपर्ड रखेंगे तो चार लोग आएंगे, उनको बोलेंगे वाह भाई क्या डॉग पाले हुए, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो ये सब बाहरी दिखावा है। अगर आप लोगों को रियली में ब्रीड पालना है और बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है कि वो आपको क्या बोले नहीं बोले, तो आप लोग एक देसी डॉग जरूर पाल सकते हो, क्योंकि इसके बारे में ओवरऑल मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बतलाए हुए हैं वो सब बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप लोग देसी डॉग को देखे हो, पाले हुए हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये फ्री में मिल जाता है, और अगर हम लोग आगे आएंगे तो इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉग ऑलरेडी स्ट्रीट पे रह जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फिर कोई गाड़ी आया उसको चिप दिया मर जाते हैं, तो ये सब बहुत कंडीशन ख़राब होती है। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे ब्रीड को रखा हुआ हूँ, पाला हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहो तो देसी डॉग को पाल सकते हो। इसको आप लोग अच्छा से खिलाइए, अच्छा से खाना वगैरह दीजिए, तो ये गार्डिंग भी आपको उतना ही करेगा। और दोस्तों अगर गार्डिंग आपको स्पेशली करवाना है तो इसको गार्डिंग के लिए भी ट्रेंड कर सकते हो, ये गार्डिंग भी अच्छा करेगा। और ऐसा नहीं है, आदमी भी इससे डरेंगे, कोई आदमी का मतलब कि पावर नहीं होगा कि अगर कोई एग्रेसिव इंडियन डॉग है उसके सामने चले जाए, उससे लड़ जाए, कोई आदमी नहीं होगा। इसलिए जर्मन शेपर्ड हो, रॉटवाइलर हो या इंडियन देसी डॉग हो, अगर वो अटेम्प्ट लेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे तो आदमी ज़रूर भागेगा। तो इस चीज़ को मत छोड़िए, आप लोग इंडियन देसी डॉग भी पाल सकते हो, या फिर और भी जितने ब्रीड हैं सारे ब्रीड अच्छे हैं। आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए, फिर उसको अपने घर पर लाइए। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे से बात कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सा फी दे करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ऊपर फॉलो बटन होगा, और अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही आपको नीचे सब्सक्राइब मिलेगा। दोस्तों हम लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।